हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ध्यान दो, ये क्वेश्चंस क्या है, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन dx या 0 से पाई बाय 2 लॉग cos, दोनों की वैल्यू क्या आती है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप लेते हो LHS, LHS में आप लेते हैं 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स डीएक्स, इसको हमने मान लिया i, दैट इज i इक्वल टू log साइन डी, ये आपका फर्स्ट। अगेन आप लिखो i इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज होती है 0 टू पाई बाई 2 है तो log साइन पाई बाई 2 माइनस, आप इसको लिख सकते हो log साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, यानी आप लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 ये आपका क्या आएगा, log cos 6 dx, ये आपका आ गया 2। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos 6, log sin x प्लस cos 6 को आप क्या लिख सकते हो, log sin x है और प्लस में log cos 6 dx, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x इंटू cos 6, sin x इंटू में cos 6 dx। अब आप देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2, अगर इसको फॉर्मूले में सेट करना तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 ए, अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन 2 एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 टी एक्स, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू पाई वाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन 2 एक्स और माइनस में आप लिख सकते हैं log 2, log sin 2x माइनस log 2, और दोनों का क्या है dx, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x, चलो दूसरे पेज पे आते हैं, आप लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस, वो क्या था, log 2 dx, तो log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो आपने लिख दिया x और लिमिट क्या है पाई बाई 2 एंड 0, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आपने मान लिया, सपोज करो ये i1 है, हमने इसको i1 मान लिया, राइट, दिस इज आई वन, और माइनस में ये क्या आ जाएगा आपका, लॉग टू इन टू में ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2, आप इसको लिख सकते हो आई वन माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, राइट, इसको आप मान लो और फर्स्ट सेकेंड मान चुके हो थर्ड इक्वेशन। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें आई वन को लेते हैं, I1 आपका है 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx, राइट। अब आप देखोगे कि अगर साइन 2x है, अगर हमने यहाँ पे t इक्वल टू 2x ले लिया तो क्या होगा, dt अपॉन 2x आपका 2 आ जाएगा, इससे क्या कर सकते हो dx क्या आ जाएगा आपका dt by 2। अब आप लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन t और इनटू में आप लिख सकते हो dt by 2, तो क्या होगा 1 by 2 आपका बाहर आ जाएगा, राइट, तो बाहर आ गया 1 by 2 बाहर आ गया, और आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और ये आपका जाएगा कितना
साइन टी 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 राइट। अब आप जानते हो यहां से कि जीरो से पाई बाई टू साइन टी डी टी आ गया, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो टू ए है राइट। तो जीरो टू ए अगर आपके पास, और यहाँ जो आपने लिमिट पुट किया था टी आपने टू एक्स लिया था, लिमिट ये चेंज करना, अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करते तो जीरो आएगा, और एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा पाई, तो ये आपका आ जाएगा पाई राइट। ये हमारा भी क्या है पाई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से वन बाई टू है ट्वाइस कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टी, और ये बन जाएगा आपका साइन टी डी टी, ये टू टू कैंसिल हो गया। अब आपकी और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका टी की जगह एक्स पुट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ जीरो टू पाई बाई टू इसको क्या लिख सकते हो साइन एक्स टी। अब ये साइन डी एक्स लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, तो जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो बराबर किसके है आई के, क्योंकि आप देखोगे अगर आप चेक करोगे आई में क्या था आपका, तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था वो हमारा क्या था जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ भी देखोगे कि ये जो आपको मिला वो क्या मिला जीरो से पाई बाई टू log sin x, यहाँ हमारे पास log था, log लिख दो तो ये आपका log है और यहाँ भी हमारे पास log, तो ये आ जाएगा log, इसको आप लिख सकते हो i, तो i1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, पुट इन थर्ड अगर आप थर्ड में पुट करते हैं तो क्या होगा 2i इक्वल टू आई वन की जगह आपने लिख दिया आई माइनस, क्या मिलेगा आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इससे क्या होगा दिस आई इधर जाएगा तो टू आई माइनस आई आई, तो ये मिलेगा आपको आई इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, यही आपको प्रूफ करना था माइनस पाई बाई टू लॉग, तो आपने लॉग साइन एक्स लिया था और आप लॉग कॉस एक्स भी लेंगे तो भी आपका जवाब यही आएगा सेम प्रोसेस है, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस पाई बाई टू लॉग, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कंसेप्ट से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल क्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, और इसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट में क्लासेस दे रखा है हमने वीडियोस, उसको आप पढ़ सकते हो।